पहले मैं एक चीज बता दूंगी, जो लास्ट वाला है वो मेरा फेवरेट है, तो वो देखे बिना एंड मत करना वीडियो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं लेके आई हूँ मीशो कुर्ता सेट हॉल। बहुत ही प्यारे कुर्ता सेट है, सिल्क में भी है, कॉटन में भी है एंड जॉर्जेट में भी है। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट वन इज दिस। ये वाला सूट इतना प्यारा है, हाँ थोड़ा सा एक्सपेंसिव है लेकिन बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा था। बहुत ही अच्छा सूट है ये एंड इसका पूरा पैटर्न मुझे इतना ज्यादा प्यारा लगा है। इसका जो फैब्रिक है वो सिल्क में है एंड इसके ऊपर ये जो थ्रेड वर्क कर रखा है एंड ये वी शेप का नेक दे रखा है। नेक के बाद आपको यहाँ से आई थिंक ये ए लाइन कुर्ता सेट है या आलिया कुर्ता सेट है, जो भी इसको कुछ कहते हैं। इसके ऊपर मेंशन नहीं है, इसके ऊपर सिर्फ सिल्क कुर्ता मेंशन है। तो यहाँ पे पूरा यूं कट दे रखा है एंड यहाँ पे प्लेट्स दे रखी है, कट के नीचे पूरी प्लेट्स दे रखी है। तो ये मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आपको साइड में दिख रहा होगा कि ये पहने हुए भी अच्छा लग रहा था। एंड बेस्ट पार्ट इज़ दैट कि इसके अंदर आपको डबल से ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएगा ईजिली। इसका प्राइस मुझे पड़ा था 1300 के अराउंड पड़ा था। जो भी इसका एक्जैक्ट प्राइस होगा मैं साइड में मेंशन कर दूंगी, लेकिन ये वाला कुर्ता सेट बहुत ही अच्छा था। इसके जो रेटिंग थे ना वो 3.5 थे, तो मुझे लगा कि शायद अच्छा नहीं आएगा, फिर भी मुझे दिखने में अच्छा लग रहा था तो मैंने मंगवा लिया। लेकिन इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि फैब्रिक अजीब है या कोई भी ऐसा इशू मुझे लगा नहीं अब तक। तो पता नहीं क्यों लोगों ने फेक रिव्यू डाल रखे हैं कि मटेरियल अच्छा नहीं है, स्टिचिंग अजीब है, लेकिन मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। मैंने मंगवाया था डबल एक्सेल तो ये मुझे हल्का सा लूज था और मेरे हिसाब से ये थोड़ा सा ना लूज में ही चलता है, तो इसलिए शायद मैंने डबल एक्सेल मंगवाया था। बट ये वाला बहुत ही प्यारा है एंड ये पूरा सिल्क में है। इसकी पैंट भी सिल्क की है एंड उसके नीचे ऐसा छोटा सा पैटर्न दे रखा है, ऐसे नेट में दे रखा है, तो वो भी बहुत अच्छा लग रहा था। बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि सस्ता कपड़ा है या कुछ भी, बहुत ही प्यारा था। जो इसका दुपट्टा है वो ऑर्गेन्जा का है एंड उसके बॉर्डर पे ऐसे चारों बॉर्डर पे ऐसे करके वर्क दे रखा है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा था। एंड दुपट्टे पे भी छोटा छोटा ऐसे वर्क दे रखा है, थ्रेड का वर्क है पूरा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। एंड ऑर्गेन्जा का है तो ये थोड़ा सा ना संभाल में नहीं आता, मतलब कि बार बार गिरता रहता है तो उसका ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन मैंने आपको दोनों तरह से दिखाया है कि बिना दुपट्टे के कैसे लग रहा था एंड दुपट्टे के साथ कैसा लग रहा था, क्योंकि मुझे ये बिना दुपट्टे के भी बहुत अच्छा लग रहा था, एक कैजुअल सा कुर्ता सेट लग रहा था, तो मेरे को उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। लेकिन अगर आपको दुपट्टा लेना है, आप मैरिड हो या आपको दुपट्टा लेना पसंद है, तो आप ये प्रेफर कर सकते हो। सो सेकंड इज दिस वन। जिसको नहीं पसंद थोड़ा सा ब्राइट कलर पहनना, उसके लिए बेस्ट है क्योंकि क्रीम कलर का है, लाइट शेड है एंड पहना हुआ बहुत ही क्लासी लगता है। इसका जो नेक है वो भी वी शेप का है, नेक के ऊपर पूरा वर्क दे रखा है। नेक के ऊपर वर्क देने के अलावा पूरा नीचे ना ऐसे सेल्फ वर्क कर रखा है, लाइक ऐसे प्रिंट दे रखा है, आपको साइड में दिख रहा होगा अगर आपको यहाँ ठीक से नहीं दिख रहा, तो पूरा प्रिंट दे रखा है जिसके अंदर फ्लावर्स बना रखे हैं एंड एक बर्ड है, ऐसे बॉर्डर पे ऐसे पिंक कलर का दे रखा है। एंड इसके नीचे पूरी लाइनिंग लगी हुई है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं लगेगा, तो इसलिए ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसका जो प्राइस था वो 900 के अराउंड था। जो भी इसका एक्जैक्ट प्राइस होगा मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। जो इसका ये कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा लगा, जो इसके अंदर ग्रीन पिंक एंड गोल्डन कलर का दे रखा है, तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। एंड इसके स्लीव्स पे लाइनिंग नहीं लगी हुई, इसके ऊपर भी पूरा सेल्फ वर्क प्रिंट कर रखा है। एंड इसका जो फैब्रिक है वो विस्कॉस है, तो ये ईजिली आप समर में वेयर कर सकते हो। एंड इसका जो ट्राउज़र है वो भी बिल्कुल प्लेन था एंड विस्कॉस के फैब्रिक में ही था, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड कंफर्टेबल था। अगर हम दुपट्टे की बात करें तो उसके ऊपर भी पूरा प्रिंट वही वाला दे रखा है जो उसके सूट पे दे रखा था एंड स्लीव्स पे दे रखा था एंड बॉर्डर्स पे ऐसे करके पूरा वर्क दे रखा है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इसका प्राइस भी 900 के अराउंड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है अगर आपको किसी भी फेस्टिवल पे ही वेयर करना है। तो नेक्स्ट इज दिस वन। ये भी लाइट कलर का है, जिसको नहीं पसंद ब्राइट कपड़े पहनना उसके लिए ये बेस्ट है। एंड ये ए लाइन कुर्ता है एंड जॉर्जेट के कपड़े में है, जिसके नीचे पूरी लाइनिंग दे रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ट्रांसपेरेंट होने की। एंड इसका जो नेक है पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है नेक के ऊपर, बहुत ही प्यारा कंट्रास्ट के साथ दे रखा है। एंड इसके अलावा अगर हम इसकी स्लीव्स की बात करें तो उसके ऊपर भी पूरा थ्रेड का वर्क दे रखा है, एक पैच सा पूरा थ्रेड का वर्क दे रखा है। एंड नीचे से इसकी स्लीव्स ऐसी है, ठीक है, थोड़ा सा बंद में है, मतलब कि खुली नहीं है, बंद है। एंड इसके अलावा अगर हम इसके पूरे कुर्ती की बात करें तो उसके बॉर्डर्स पे, साइड बॉर्डर पे ऐसा पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है एंड इसके अलावा इसके बीच में भी पूरा थ्रेड वर्क है, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एंड इतना अफोर्डेबल है, इट वॉज अराउंड 900, जो भी एक्जैक्ट प्राइस होगा मैं मेंशन कर दूंगी, एंड ये 900 के अराउंड ही था, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि इसका वर्क बहुत ज़्यादा प्यारा दे रखा है। इसके साथ है प्लाजो, प्लाजो के नीचे भी पूरा थ्रेड वर्क दे रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। ये उसका दुपट्टा है एंड इसके साइड बॉर्डर्स के ऊपर ऐसे ग्रीन कलर का थ्रेड वर्क दे रखा है एंड इसके बीच बीच में ऐसे थोड़ा सा फ्लावर टाइप थ्रेड वर्क से बना रखा है। वही वाले कलर है ये जो उसके नेक के ऊपर पूरा थ्रेड वर्क कर रखा था,
ताकि ये कॉम्प्लीमेंट करे। तो ये चीज मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। अगर आपको इनमें से कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हो, उसके अंदर मैंने सारे लिंक दे रखे हैं, आप किसी भी लिंक पे क्लिक करके अपना प्रोडक्ट ले सकते हो। सो नेक्स्ट इज दिस वन, ये भी सिल्क फैब्रिक में है एंड ये इतना प्यारा है, इतना सॉफ्ट है ना इसका फैब्रिक, मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही कंफर्टेबल था ये पहना हुआ एंड पहना हुआ इतना क्लासी लग रहा था। अगर आप ये हील्स के साथ पहनो तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसका जो नेक है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। एक तो ये वी शेप में है एंड इसके ऊपर पूरा वर्क दे रखा है। इस वर्क के अलावा इस पूरे कुर्ते के ऊपर ऐसा छोटा छोटा सा ना थ्रेड से वर्क दे रखा है, तो इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई कि कहीं से कपड़ा चुभ रहा है या कोई प्रॉब्लम हो रही है। सिल्क का कपड़ा है, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है एंड इट वॉज अराउंड 1100, जो भी एक्जैक्ट प्राइस होगा आपको साइड में मैंशन हो जाएगा। एंड पहना हुआ ये इतना प्यारा लग रहा था, आप साइड में देख सकते हो, बहुत ही सुंदर लग रहा था। एंड इसकी स्लीव्स के ऊपर ऐसे एक थोड़ा सा गोटा सा लगा हुआ मिलेगा, कुछ ज़्यादा वर्क नहीं कर रखा। पूरे कुर्ते के ऊपर जो वर्क कर रखा है वो उसके नेक पे ही कर रखा है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा वर्क नहीं कर रखा। इसके अलावा जो इसका ट्राउजर है वो भी पूरा सिल्क का है एंड बिल्कुल प्लेन है, कोई भी वर्क नहीं दे रखा है इसके ट्राउजर पे भी। इसके दुपट्टे की बात करें तो इसके दुपट्टे के ऊपर वर्क दे रखा है, ये पूरा सेल्फ प्रिंट दे रखा है फ्लावर्स का एंड साइड में चारों बॉर्डर पे ऐसे वाला वर्क दे रखा है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि पूरा कुर्ता सेट जो है बिल्कुल ही सिंपल है, सिर्फ एक नेक पे वर्क दे रखा है, तो उसके साथ थोड़ा सा ऐसे प्रिंटेड में चुन्नी है ना, तो ये मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी एंड इट वॉज वेरी अफोर्डेबल। तो अगर आपको लेना हो तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड इसके अंदर भी आपको डबल एक्सल से ट्रिपल एक्सल तक मिल जाएगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर एक और कलर मिलेगा जो कि ऐसे वाला कलर होगा, थोड़ा सा जामुन कलर में, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था वो वाला कलर भी। लेकिन मैंने ऑलरेडी एक दूसरा कुर्ता मंगवा लिया था तो मैंने इसलिए ये वाला कलर मंगवाया क्योंकि ये भी कलर थोड़ा सा ना यूनिक है, तो ये मेरे को बड़ा अच्छा सा लग रहा था। नेक्स्ट वन इज दिस, इसका फैब्रिक भी सिल्क है एंड इसके पूरे नेक पे ऐसा करके वर्क दे रखा था। ये वाला ना मेरे को थोड़ा सा मेरे ऊपर अच्छा नहीं लगा थोड़ा सा, क्योंकि मुझे आंटी वाला लग रहा था क्योंकि जो इसका नेक था वो थोड़ा सा ऊपर था, तो मैं इसे पहनती नहीं, मुझे ज़्यादातर वी नेक ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर आंटी वाला लगा। बट इसका कलर बहुत ही ज़्यादा प्यारा था, ब्राइट कलर है, तो ऑफकोर्स थोड़ा सा वो अच्छे से एनहेंस कर रहा था लुक को। एंड इसका जो ये पूरा पैटर्न दे रखा है बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं है। इसके अलावा इस पूरे कुर्ते के ऊपर ऐसे करके छोटे छोटे से फ्लावर बना रखे हैं थ्रेड के साथ। इस वाले फैब्रिक की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, सॉफ्ट होने के साथ साथ बिल्कुल भी चुभने वाला नहीं था ये फैब्रिक, क्योंकि अंदर पूरी लाइनिंग दे रखी है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप इसको थोड़े से ज़्यादा टाइम के लिए वेयर करना हो तो। एंड इसका जो ट्राउज़र है वो भी सिल्क का है एंड बिल्कुल प्लेन है, कोई भी वर्क नहीं दे रखा है इसके ऊपर भी। एंड इसका जो प्राइस था ना वो मुझे याद नहीं है, जो भी एग्जैक्ट प्राइस होगा मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। सूट का बेस्ट पार्ट है इसका दुपट्टा, इसका दुपट्टा मुझे इतना ज़्यादा प्यारा लगा ना, मतलब कि मैं क्या ही बताऊँ। सिल्क का है पूरा दुपट्टा एंड इसके ऊपर ऐसे छोटे छोटा सा वर्क दे रखा है, मतलब कि सेल्फ प्रिंट सा दे रखा है, तो ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था क्योंकि जो कुर्ता सेट है वो बिल्कुल प्लेन है, सिर्फ हल्का सा वर्क दे रखा है नेक के ऊपर, तो इसीलिए मुझे ये वाला ना दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और मेन बात है कि ये वाले जो दुपट्टे होते हैं ना वो ईजिली कैरी कर सकते हैं हम, मतलब कि कैसे भी शेप में इसको पहन लो तो ये ऐसे गिरते नहीं रहते बार बार, तो इसलिए मुझे ये वाला दुपट्टा बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सो नेक्स्ट इज दिस वन, इसका फैब्रिक भी सिल्क है एंड बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट कपड़ा है। अगर आपको किसी भी फेस्टिवल के लिए लेना हो तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा एंड एलिगेंट लुक देगा। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इसके ऊपर पूरा ये ऐसा वर्क करा हुआ मिलेगा आपको एंड कुछ ऐसा भी नहीं है कि तड़क भड़क सा लग रहा हो, बहुत ही सिंपल सोबर बहुत ही अच्छा वर्क कर रखा है। मुझे ये अपने ऊपर अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं ऐसे वाले नेक पहनती नहीं हूँ, ज़्यादातर वी नेक पहनती हूँ, तो आपको मैंने फिर भी पहन के दिखाया है कि साइड में ये आपको कैसा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। एंड ये सिल्क का है तो इसके अंदर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी कि आपको ये चुभ रहा है या कुछ हो रहा है, बहुत ही अच्छा कम्फर्टेबल कपड़ा है। ये है इसका पैंट, बिल्कुल प्लेन एंड सिल्क के कपड़े में कोई वर्क नहीं दे रखा है, बिल्कुल सिंपल एंड सोबर। दुपट्टा सेम लास्ट वाले कुर्ते की तरह ही है, सेल्फ वर्क दे रखा है एंड सेम सिल्क में है। सो नेक्स्ट इज दिस वन, ये बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में आया था बीच में, इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे मैंने बहुत ज़्यादा देखा था कि लड़कियाँ इसको मतलब पूरे सूट की तरह वेयर नहीं कर रही थी, लेकिन इसको जीन्स के साथ, जो बैगी जीन्स होती है, बॉयफ्रेंड जीन्स होती है ना, उसके साथ वेयर कर रही थी विथ हील्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लुक दे रहा था। बट मुझे ये पूरा प्लाजो सेट के साथ मिला है क्योंकि ये पूरा मैंने राखी के लिए मंगवाया था। एंड इसका जो फैब्रिक है वो चिकनकारी है एंड जॉर्जेट है कपड़ा, बहुत ही प्यारा वर्क दे रखा था। ये पहना हुआ इतना ज़्यादा अच्छा एंड कंफर्टेबल लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था ये पहना हुआ। इसके अंदर साइज़ है डबल एक्सल, मुझे थोड़ा सा खुला था, या मतलब कि ये खुला ही पहनते हैं तो मेरे को पता नहीं है ऐसा कुछ। एंड इसके ऊपर पूरा ये चिकनकारी का वर्क दे रखा है,
सेम प्रिंट दे रखा है पूरे ही कुर्ते के ऊपर, उस साइड में कट आता है, उसके बाद ऐसे करके पूरी लेस दे रखी है, तो ये मुझे बहुत ही ज्यादा प्यारा लगा, बहुत कंफर्टेबल था। तो जो भी प्राइस होगा मैं आपको साइड में मेंशन कर दूंगी। नेक्स्ट अगेन इसका जो प्लाजो है बहुत ही अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, इसके अंदर पूरी लाइनिंग का वर्क दे रखा है एंड उसके साथ साथ प्लाजो के एंडिंग पे भी ऐसी सेम लेस दे रखी है, तो ये बहुत ही ज्यादा प्यारा लग रहा था। नेक्स्ट हम इसके दुपट्टे की बात करें तो दुपट्टा भी सेम जॉर्जेट में है एंड जॉर्जेट के साथ साथ इसके साइड में भी सेम लेस दे रखी है जो पूरे कुर्ते में साइड में दे रखी है, तो कुछ ऐसा खास नहीं है दुपट्टे में भी। एंड इसका प्राइस जो भी होगा मैं साइड में मेंशन कर दूंगी। अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट पसंद आए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर सकते हो। सो नेक्स्ट इज दिस वन, ये बहुत ज्यादा कलरफुल है, अगर आपको किसी भी फेस्टिवल पे पहनना हो तो ये बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। एंड ये पूरा प्लाजो सेट है, एंड चाहे ये प्लाजो सेट है लेकिन ये बिल्कुल भी ऐसा हैवी नहीं लग रहा था। इसकी स्लीव्स के ऊपर ऐसे टाइट करने के लिए दो टेसल दे रखे हैं एंड इसके अलावा इसका जो नेक है वो रेक्टेंगल नेक है, आई गेस इसको रेक्टेंगल नेक कहते हैं। एंड नीचे से इसका, यहाँ से इसका पूरा प्लेट शुरू होता है एंड बहुत ही ज़्यादा अच्छा, इसका जो पूरा घेरा वगैरह बहुत अच्छा है एंड लास्ट में ऐसा पूरा गोटा पत्ती दे रखी है, आपको साइड में दिख रहा होगा। मैंने डबल एक्सल मंगवाया था, मुझे लगा मुझे डबल एक्सल आएगा लेकिन ये मुझे थोड़ा सा खुला आया था, तो मैंने पीछे से क्लिप लगाया था। क्लिप लगाने के बाद भी थोड़ा सा मुझे फील हो रहा था कि खुला खुला है, तो आपका जो साइज़ है ना आप उसी के अकॉर्डिंग मंगवाना। मैंने डबल एक्सल ऐसे ही मंगवा लिया था, मेरे को आइडिया नहीं था कि ये खुला आएगा या कैसा आएगा। एंड इसका जो प्रिंट है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, इसका जो कॉम्बिनेशन है ब्लू ग्रीन येलो, तो ये चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। इसका कॉम्बिनेशन एंड कलर थ्योरी बहुत ज़्यादा अच्छी है एंड पहना हुआ बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अगर हम इसकी प्लाजो की बात करें तो वो भी सेम कॉन्ट्रास्ट वाले कलर में है एंड उसके साथ साथ इधर से आपकी पूरी नीस के बाद से आपकी पूरी ये प्लेट शुरू हो जाएंगी एंड एंडिंग में आपको सेम गोटा मिलेगा जो आपको सूट के नीचे मिलेगा। एंड इसका जो फैब्रिक है वो कॉटन है एंड जो चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी ना वो ये है कि इसका जो दुपट्टा है ना वो ऑर्गेन्जा का है एंड मुझे ऐसे ऑर्गेन्जा के ना दुपट्टे पसंद नहीं आते। ये देखो ये ना संभाल में ही नहीं आते एंड एक टाइम पे आके ना ये चुभने लग जाता है, जब थोड़ी सी गर्मी वगैरह लगने लगती है ना तो ये बहुत ज़्यादा इरिटेशन करने लग जाता है, तो इसलिए मेरे को ये अच्छा नहीं लगता। सो दिस वन इज़ माई फेवरेट, ये इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा था, इसका फैब्रिक इतना ज़्यादा अच्छा, आई थिंक इट्स इन सिल्क एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इतना ज़्यादा कंफर्टेबल था। ये हल्का सा मुझे टाइट आया था, हल्का सा कह सकते हैं मुझे टाइट आया था, मैं आपको वही बता रही हूँ ना, थोड़ा सा साइज़ में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि मुझे नॉर्मली एक्सल आता है लेकिन मैंने जितने भी मंगवाए ना सारे डबल एक्सल में ही मंगवाए हैं, तो कोई कोई खुला आ रहा था, कोई कोई टाइट आ रहा था और कोई कोई बिल्कुल ठीक आ रहा था। जैसे कि ये भी डबल एक्सल में ही है लेकिन ये मुझे हल्का सा टाइट आया था, मतलब हल्का सा ही कह सकते हैं, पहना हुआ नहीं पता लग रहा होगा टाइट है लेकिन अगर मैं बैठूंगी उठूंगी तो उस चीज़ में मेरे को प्रॉब्लम आएगी। एंड इसका जो ट्राउजर था ना तो उसमें मेरे को यही दिक्कत आई थी कि वो थोड़ा सा टाइट था, क्योंकि एक तरह से कोट सेट है तो उसके अंदर मे बी ये वाली प्रॉब्लम आती हो साइज से रिलेटेड। एंड ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, इसका कलर इतना ज़्यादा प्यारा है कि मैं क्या बताऊँ। एंड इसकी जो स्लीव्स है वो ऐसे करके साइड में थ्रेड वर्क दे रखा है, स्लीव्स के नीचे वाली साइड में, बहुत अच्छा लग रहा था ये थ्रेड वर्क, आपको साइड में दिख रहा होगा कितना प्यारा लग रहा था। एंड इसके अलावा इसके कुर्ते के एंडिंग में भी सेम आगे पीछे दोनों तरफ ऐसे करके थ्रेड वर्क दे रखा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लाइक आई विल गिव दिस प्रोडक्ट 10 out of 10, बहुत ही प्यारा था, आई हाईली रिकमेंड टू ट्राई दिस वन, बहुत ही अच्छा कुर्ता है ये। एंड इसका ट्राउज़र भी सेम सिल्क फैब्रिक का था एंड उसके साथ साथ इसके एंडिंग के ऊपर ऐसे सेम थ्रेड वर्क कर रखा था। थोड़ा सा मुझे ये लॉन्ग था, हील्स के साथ पता नहीं लग रहा होगा साइड में, लेकिन हल्का सा मुझे ये लॉन्ग था एंड उसके साथ साथ जो इसकी फिटिंग थी ना आप देख सकते हो, मतलब डबल एक्सल के अकॉर्डिंग ना थोड़ा सा ये टाइट ही था, तो मेरे हिसाब से ऊपर का तो पता नहीं लेकिन नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा टाइट हो रहा था मेरे को, लाइक बैठने उठने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइट था, तो अपने से दो साइज़ ऊपर ही मंगवाए। एंड इसके अंदर आपको डबल टू ट्रिपल एक्सल या शायद 4XL तक अवेलेबल रहेगा, जो भी इसका प्राइस होगा साइड में ऐड कर दूंगी। नेक्स्ट अगेन इसका जो दुपट्टा था वो ऑर्गेन्जा का था लेकिन ये पूरा मैच कर रहा था सूट के साथ, तो मुझे इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बॉर्डर पर पूरा ऐसे लेस दे रखा है, थ्रेड का लेस था ये एंड इसके यहाँ पर पूरा ऐसे क्या कहते हैं इसको ऐसे लटकने के लिए दे रखा है, पूरा दोनों साइड पे दे रखा है, इस साइड और दूसरी साइड, तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हाँ थोड़ा सा कंट्रोल में नहीं आता है ऑर्गेन्जा लेकिन मुझे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लग रहा था कुर्ता से। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आपको कोई भी लिंक चाहिए हो तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना पड़ेगा, वहाँ पे सारे लिंक गिवन है, सिंगल लिंक भी है जिसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको सारे कुर्ते के लिंक एक साथ मिल जाएंगे। एंड अगर आपको कोई भी लिंक अलग से चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं एंड अगर आपको कोई और हॉल चाहिए हो किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो वो
भी आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं यहाँ पे नाम दे दूंगी एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ आपको सारे मेकअप से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स एंड हैक मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आप मेरा चैनल भी चेक कर सकते हो, पूरे प्रोफाइल में आपको अलग अलग हॉल मिल जाएंगे रिलेटेड टू मीशू एंड बंजारा मार्केट। इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाय बाय।